वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इमरान खान पर हमले की तहकीकात चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में करवाने का मुतालबा कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट कमीशन वाकये की तहकीकात करे। इमरान खान पर हमले के वाकये की मज़म्मत करते हैं, लेकिन अफसोसनाक वाकये पर इल्ज़ाम तराशी और घटियापन का मुजाहरा किया जा रहा है। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शहबाज शरीफ ने कहा है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान फसाद और फतना खत्म करने के लिए फुल कोर्ट कमीशन बनाएं। उन्होंने कहा है कि फुल कोर्ट पर मबनी कमीशन मुल्क और अवाम के लिए मुफीद है। मेरी इल्तमास ना मानी गई तो आने वाले वक्त में सवालात उठते रहेंगे। वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान से दरख्वास्त है कि फुल कोर्ट कमीशन बनाएं, आप जब भी बुलाएंगे मैं अदालत में पेश हूंगा। उनका कहना था कि फुल कोर्ट कमीशन के लिए जल्द चीफ जस्टिस पाकिस्तान को खत लिखूंगा, कमीशन का जो भी फैसला होगा मैं उसे कबूल करूंगा। शहबाज शरीफ ने यह भी कहा है कि मुझे पता चला है कि सहाफी अरशद शरीफ की वालदा ने मेरा बनाया हुआ कमीशन तस्लीम नहीं किया है। उन्होंने कहा है कि चीफ जस्टिस से दरख्वास्त करूंगा कि इस मामले को इस कमीशन के सामने पेश करें। प्रेस कॉन्फ्रेंस के आगाज में शहबाज शरीफ ने चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान पर हमले के वाकये की मजम्मत की। उनका कहना था कि इमरान खान पर हमले की जिंदगी के हर शोबे से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने मजम्मत की। मैंने इस वाकये के बाद अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस मुलतवी कर दी थी। दुआ गो हूँ की अल्लाह ताला इमरान नियाजी समेत तमाम जख्मियों को जल्द सेहत और तंदरुस्ती से नवाजे। वज़ीर आज़म ने मजीद कहा है वाकये में जान बहक होने वाले की अल्लाह ताला मगफरत फरमाए। इस अफसोसनाक वाकये पर इल्जाम तराशी से परहेज करना चाहिए, झूठ और घटियापन का मुजाहरा किया जा रहा है। शहबाज शरीफ ने यह भी कहा है कि पीटीआई के लॉन्ग मार्च में होने वाले वाकये की हम सब ने मजम्मत की। उनका कहना था कि दौरा चीन में अल्लाह का शुक्र है 4 साल का जब मोड़ टूट गया, सी पैक और दूसरे मनसूबों पर भी पेशरफ्त हुई।